हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। बेबीज की त्वचा आमतौर पर बहुत सॉफ्ट होती है, पर कभी कभी उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, खास तौर पर सर्दियों में। बेबीज का स्किन टेक्सचर बदल सा सकता है, पर कुछ टिप्स से आप बेबीज की ड्राई स्किन को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनकी खुश्क त्वचा को ट्रीट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चे की डेली रूटीन में थोड़ा से बदलाव करके आप कैसे बेबी की ड्राई स्किन को मैनेज कर सकते हैं। बेथिंग टाइम, बेबी के बाथ टाइम को रूटीन में बदलाव लाने से बेबी की ड्राई और इची स्किन इंप्रूव करने में सबसे अधिक मदद मिलती है। शॉर्ट बाथ्स आर बेस्ट। ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए शावर्स से ज्यादा बाथ सफल होते हैं, पर ज्यादा समय तक नहलाने से भी त्वचा पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बेबीज का बेदिंग टाइम 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसको लिमिटेड रखना चाहिए। स्टे कूल, नहाने के पानी का टेम्परेचर को ल्यूक वार्म रखना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी से त्वचा खुश्क होती है, गर्म पानी से नर्व्स एंडिंग भी एक्टिवेट हो जाती हैं और अधिक सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन को स्क्रैच करने की अर्ज बढ़ जाती है। अवॉइड बबल बाथ्स एंड फोमी सेंटेड सोप्स। बेबीज बबल बाथ में ज्यादा समय बैठना पसंद करते हैं, जो उनकी त्वचा के लिए सही नहीं है, और फोमी या फिर सेंटेड सोप्स जैसी चीजों में डिटर्जेंट होते हैं जिनसे उनकी स्किन के नेचुरल ऑयल खोने लग जाते हैं और त्वचा ड्राइनेस से प्रोन हो जाती है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स में मौजूद फ्रेग्रेंसेस और दूसरे केमिकल्स स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। ड्राई ऑफ विदाउट ड्राइंग आउट। नहाने के बाद बेबी को सॉफ्ट टॉवल से ड्राई करें, त्वचा को रब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से स्किन सरफेस से ऑयल रिप ऑफ हो जाते हैं और ये सेंसिटिव स्किन और नर्व्स एंडिंग को इरिटेट हो सकता है। नहाने के तुरंत बाद बेबी को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर हेड टू टो अप्लाई जरूर करें। सोप्स एंड मॉइस्चराइजर्स। सोप्स और मॉइस्चराइजर खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल सोप्स वर्सेस नॉन सोप। नॉन सोप क्लेंजर्स बेबी की त्वचा को खुश्क होने से बचाते हैं और ज्यादातर इन्हें सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए रिकमेंड किया जाता है। जो भी सोप आप यूज करें वो फ्रेग्रेंस फ्री, डिओडेंट फ्री और हाइपो एलर्जिक होना चाहिए। जनरल ब्रीदिंग के लिए एंटी बैक्टीरियल सोप्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो स्किन को इरिटेट करते हैं। चूज द राइट मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग की क्रिया ड्राई विंटर स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एक अहम हिस्सा है। मॉइस्चराइजर्स क्रीम, लोशंस और ऑइंटमेंट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। ऑइंटमेंट्स में ऑयल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये ऑइंटमेंट बहुत ज्यादा ड्राई इरिटेटेड एरियाज के लिए मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं और लगाने पर ये त्वचा को स्टिंग या बर्न नहीं करते। क्रीम भी ड्राई स्किन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो कि स्किन में मॉइस्चर बरकरार रखते हैं, और लोशन दूसरे मॉइस्चराइजर से लाइटर और थिनर होते हैं। इनमें ऑयल कम होता है, पानी ज्यादा होता है। लोशंस उन महीनों में ज्यादा फायदेमंद होते हैं जिसमें गर्मी होती है, उन लोगों के लिए जो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रखते। अप्लाई इट टू डैम्प स्किन। मॉइस्चराइजर्स को यूज करने का बेस्ट टाइम होता है शावरिंग या फिर बेदिंग के तुरंत बाद, क्योंकि इस समय स्किन डैम्प और नम होती है और मॉइस्चराइजर की नमी सील कर लेते हैं। अगर बेबी का बाथ टाइम नहीं है तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइजर को यूज करने से पहले उसके साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करना एक अच्छा तरीका माना जाता है। मॉइस्चराइजर को दिन में 2 बार यूज करें, तब भी जब स्किन इरिटेटेड ना हो। अगर ये तरीका कंसिस्टेंटली और डेली इस्तेमाल किया जाए तो रैशेज और इचेस डेवलप नहीं होते। कवर अप। मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉटन बेस्ड क्लोथिंग पहना देना चाहिए। ऐसा करने से स्किन की रबिंग ऑफ नहीं होगी और नमी बरकरार रहेगी। बियॉन्ड द स्किन, लॉन्ड्री और लाइनेंस। कुछ और माइनर चेंजेस करने से भी विंटर्स में स्किन को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, फ्री और क्लियर लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें कोई फ्रेग्रेंसेस, डाइज या परफ्यूम ना हो। खरीदते समय उन प्रोडक्ट्स को देखिए जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए बने हो। ऐसे प्रोडक्ट्स में वो इरिटेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं जो इचेस को ट्रिगर करते हैं। ड्रायर शीट्स या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल अवॉइड करें। इन प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स, फ्रेग्रेंसेस या फिर ऑयल्स होते हैं जो सेंसिटिव स्किन को इरिटेट करते हैं। स्किन फ्रेंडली फैब्रिक।
कॉटन या बैम्बू शीट्स और पिलो केसेस को यूज करें क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और स्किन को कम इरिटेट करते हैं। कॉटन क्लोथिंग का भी इस्तेमाल करें, इनसे बॉडी पर स्वेट बिल्ड नहीं होगा और इरिटेशन भी नहीं होगी। सिंथेटिक फैब्रिक रफ होते हैं और हीट ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग और इरिटेशन होती है। हर न्यू क्लोथिंग को पहनने से पहले धोना चाहिए ताकि उन पर फिनिशिंग केमिकल्स और डाइज होते हैं वो हट जाएं। क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ तरीकों से एनवायरनमेंट में भी मॉइस्चर ऐड किए जा सकते हैं। सर्दियों में फोर्स्ड एयर हीटिंग से ड्राई एयर बनती है और घर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ड्राई एयर का नतीजा ड्राई स्किन होती है। अगर आप अपने बेबी के स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं तो आप माइलो के बेबी केयर रेंज में से कई सारे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे कि माइलो बेबी मसाज ऑयल, आयुर्वेदिक बेबी मसाज ऑयल, बेबी बाथ एसेंशियल भी mylofamily.com पर उपलब्ध है, जिसमें बॉडी वॉश और बॉडी लोशन शामिल है। ये लोशन सेंसिटिव स्किन के लिए सही है, ड्राई स्किन को सूद करता है और एक्जिमा जैसी तकलीफों में भी मददगार साबित होता है। ये लोशन आलमंड ऑयल, चिया बटर, मुरमुरु बटर, एलो और विटामिन ई के गुणों से भरपूर है। ये बेबीज के लिए 100% सेफ है। इन्हें आप माइलो ऐप या फिर वेबसाइट पर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीकों से आप सर्दियों में अपने बेबी की त्वचा को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुश्क त्वचा को ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।